हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक के नंबर वन स्टडी चैनल माधुरी अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। और मिश्रण को हम लोग बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि केवल और केवल हम लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाले हैं, है ना। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और डेली लाइव क्लास आप लोग अटेंड करिए शाम को 7 बजे, ठीक है। तो बच्चा आइएगा, सीधी बात नो बकवास के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने यहाँ पर दिखेगा आ चुका है कि मिश्रण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अगर मिश्रण पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे कि मिश्रण ही किसे कहते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा आपके सामने लिखा गया है, है ना, मिश्रण के बारे में, क्लियर हो जाएगा। मिश्रण जब किन्हीं दो या दो से अधिक, है ना, पदार्थों को किसी विशेष अनुपात में मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है तो नए बने पदार्थ को ही क्या कहते हैं बच्चा, तो कहोगे सर मिश्रण कहते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको आगे आइएगा हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो आइएगा यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताएंगे क्या हो जाएगा बच्चा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल से सही जवाब, फटाफट से आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, देखिएगा लिखा गया है 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को, है ना, 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2:1, ऑप्शन नंबर बी 3:1, ऑप्शन नंबर सी 6:7, ऑप्शन नंबर डी 3:5। फटाफट से बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही सवाल। तो यहाँ पर लिखिएगा, सबसे पहला काम आपको करना है यहाँ पर लिखना है 30% और दूसरा जो है वो आपका है 50%, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आप लिखोगे वो इनके बीच में है ना, यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप जो यहाँ बीच में नंबर लिखोगे वो नंबर हमेशा 30 और 50 के बीच का ही नंबर होगा, जो कि आपको दिया गया है यहाँ पर 35%, क्लियर। यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान देना है, अदरवाइज ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए बहुत ही शानदार, अब आपको यहाँ पर माइनस का लेना है, 35 - 30 करेंगे, उसको आप यहाँ लिख देंगे 5%, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 50 - 35 कर देंगे तो क्या करेंगे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 15%। आप हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे, क्लियर है ना, चलेगा बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज आप उड़ा दीजिएगा, 5 से काट दीजिएगा, 5 - 9 = 5 और 5 * 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यानी कि जो आपका अनुपात आ रहा है बच्चा वो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 3:1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी साथियों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझा दिया होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सभी लोग एक बार जोरदार और शानदार तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक करने के साथ साथ जो भी साथी चैनल पर नए होंगे, वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बगल वाला घंटा दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आइएगा साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से सेम पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से और बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल से परम सत्य आंसर, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, बेहतर तरीके से चीज़ें आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल ट्रिक आपको फॉलो होगी, शानदार और शानदार ट्रिक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो आप देखेंगे, 48 रुपये, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है 48 रुपये, उसके बाद आपको दिया गया है बच्चा, ठीक है, 55 रुपये, क्या दिया गया है, तो 55 रुपये दिया गया है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मिश्रित चीनी का कितना मिलाना है, 52, है ना, मिश्रित कितनी चीनी मिलाएं कि मिश्रित जो चीनी है वो 52.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से समझना है, मैंने आपको बताया है कि जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर है ना, इस गोले में आप जो भी लिखोगे बच्चा, ठीक है, वो इन दोनों संख्याओं के बीच का होना चाहिए, अर्थात 48 और 55 के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 52.50, ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस कर लीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चा। तो देखिएगा 52 - 52.50 - 48 करोगी ना, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, तो कहोगे सर 2.50 कितना आ जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.50, क्लियर। अब यहाँ पर 55 - 52.50 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.50, क्लियर, दशमल से दशमल उड़ा देंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया हमने। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, तो 25 अनुपात कितना बचेगा, 45, 5 से काट दिएगा 55, 25 - 5 = 45, क्लियर हो जाएगा, 5:9 आ गया आपके साथ,
आपके पास क्या आ गया 5:9, लेकिन आपको ज्ञात करना था कि 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी को मिलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी चीनी को मिलाया जाए यही तो आप लोगों को पता करना है। क्लियर हो जाएगा बच्चा? ठीक है, 48 रुपये है ना प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में। ठीक है, 60 किलोग्राम चीनी में, तो यहाँ पर 9 और 5 और गुणे कितना 60। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो ये 12 आ जाएगा है ना, और 12 गुणे 9 करेंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 108 kg। कितना आ जाएगा भैया, 108 kg। ठीक है, तो 108 kg क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परम शक्ति आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा यहाँ पर 48 किलोग्राम वाली चीनी 60 यहाँ पर लिखा गया है और 55 वाली नहीं पता था, है ना, जो 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को कितना किलोग्राम मिला है ये नहीं पता था, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करेंगे भैया, डी पर टिक करेंगे, डी बिल्कुल से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 108 किलोग्राम। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार तरीके से आप लोग बताएंगे भैया। ठीक है, विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, 900 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी इसकी मात्रा 20% करने के लिए कितना दूध बढ़ाना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे, है ना, ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर जो है हमें लगता है ऑप्शन कट गया है, कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पर पूरा फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बच्चा आप बिल्कुल बेहतर तरीके से। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं बात को, समझिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर जो दूध है ना, दूध की मात्रा जो हो जाएगी, ठीक है, दूध की जो मात्रा हो जाएगी बच्चा वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर समझिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दूध की है ना, कितना लीटर दूध है ना, और कितना हम लोग बढ़ा रहे हैं ये भी आप लिखोगे। ठीक है ना, क्या कर रहे हो तो कहोगे कि सर कितना हम लोग है ना बढ़ाएंगे, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो जाएगा ना, चलेगा बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रही बातें हैं ना चीज़ें, आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और यहाँ पर एक्स और डिफरेंस वाई कर लेंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 - y हो जाएगा। क्लियर है, चलेगा, समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। तो यहाँ पर जो ये है ये आपका 900 है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, और ये 10 और डिफरेंस की बात कर रहा है तो 20 और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा, तो कहोगे सर 100 - 20 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। डिफरेंस का मतलब होता है जो संख्याएं बड़ी हैं उसमें से छोटी को माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 900 और गुणे में क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 10 और बट्टा क्या हो जाएगा, तो 100 - 20 कर दोगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब है ना 900 - 8 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चा कितना राइट आंसर हो जाएगा, तो कहोगे सर 112.50 लीटर। 112.50 लीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, तो कहोगे सर 112.50 लीटर, है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से, एकदम चीज़ें क्लियर हुई होंगी बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है ना, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं बेहतर तरीके से, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो एक बार ज़ोरदार और शानदार तरीके से वीडियो को शेयर करें, आप लोग इस परिवार को सपोर्ट करें बच्चा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, चलेगा बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। चलेगा, लिखा गया है दो अलग अलग शराब की अल्कोहल की मात्रा 60% व 40% है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 45% हो जाए। क्लियर हो जाएगा बच्चा, बहुत ही शानदार। तो पहला अल्कोहल आपके सामने दिया गया है 60%, राइट, और दूसरा अल्कोहल जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 40%। क्लियर है, और यहाँ पर बोल रहा है कि है ना प्राप्त मिश्रण, जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है वो आपको 45% प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताया है, वो चीज़ आप ध्यान देंगे नहीं, है ना, जब तक वो चीज़ नहीं मैच करेगी ये ट्रिक काम नहीं करने वाला है। यानी कि 1 और 2 के बीच, यानी कि 60 और 40 के बीच है ना जो मिश्रण आना चाहिए वो इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का ही आना चाहिए। क्लियर हो जाएगा, यानी कि 60 और 20 है ना, 60 और 40 के बीच में 45 आता है, इसलिए इस पर ट्रिक फॉलो होगी। ठीक है, आप 45 - 40 करोगे कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर 5%, है ना, और 45 - 60 करोगे तो कहोगे सर है ना 60 - 45 कर दोगे कितना आ जाएगा, 15%। क्लियर है ना बच्चा, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर है। तो 5 से काट देगा, 5 - 9 = 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 * 3 = 15। ठीक है, तो इसे किस अनुपात में मिलाएंगे, तो कहोगे सर 1:3, बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं भैया, तो एक बार ज़ोरदार और शानदार तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक करने के साथ साथ जो भी शायद चैनल पर नए होंगे, वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल वाला घंटा दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी भैया है ना
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी PDFs वगैरह वहाँ पर मिलती रहती हैं और लेटेस्ट अपडेट भी वहाँ पर आपको मैं देता रहता हूँ। तो आइएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, और विद इन सेकंड में हम लोग इस क्वेश्चन को भी उड़ा देंगे, है ना, ट्रिक के माध्यम से। चलिए भैया, यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है, किसी परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए जिसमें 70% है ना छात्र और है ना 58% छात्राएँ सफल हुई। यदि कुल 1560 विद्यार्थी सफल हुए हों तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, ये आप लोग बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्लियर कर दूंगा, है ना, ये क्वेश्चन भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा ठीक है, चलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझना है केवल, ठीक है, चलेगा, चीज़ें समझिएगा। देखिएगा टोटल परीक्षा में है ना जो कुल विद्यार्थी हों कितने हैं, ध्यान से समझिए, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कहोगे सर कुल विद्यार्थी 2400 हैं, है ना, और आपको 1500 है ना सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप काटा पीटी मचा देंगे भैया, तो कुल आ जाएगा यहाँ पर 65%, कितना आ जाएगा 65% आ जाएगा, है ना। क्या कर रहे हैं हम, कक्षा में सफल छात्रों का परसेंटेज निकाल देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 65%, और आपको छात्र जो दिए गए हैं वो आपको 70% दिए गए हैं और छात्राएं 58% दी गई हैं, क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको यहीं पर यहाँ पर चिपका देना है, आपको राइट आंसर मिल जाएगा बच्चा, क्लियर है, चलेगा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, समझना है बस केवल, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 70%, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 58%, ठीक है, और आपने अभी अभी निकाला है 65%, यही चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि ये दोनों के बीच का है या नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, चलेगा। अब यहाँ पर ऐसे आप माइनस कर लीजिएगा, तो 65 - 58 करेंगे तो 7% आ जाएगा, 70 - 65 कर दोगे तो 5% आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा तो 7:5 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इतनी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी, छात्र और छात्राओं और दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, ठीक है, और अगर हम छात्र की ही बात करते हैं तो ये कितना है, 7 है, क्लियर है ना, बस आपका सवाल हो चुका है ख़त्म, है ना। दोनों मिलाकर कितना यूनिट बन रहा है, तो कहोगे सर 12, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 की यूनिट कितने के बराबर है, तो कहोगे सर 2400 बच्चों के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना, 12 × 2 = 2400 आ जाएगा। हमें चाहिए कितने, है ना, तो छात्रों की बात कर रहा है, केवल हमें छात्र चाहिए, तो छात्र हैं कितने, तो कहोगे सर 7, तो 7 से दोनों तरफ गुणा करा दीजिए, 7 × 2 कितना हो जाएगा, तो 1400 छात्र क्या हो रहे हैं बच्चा, सम्मिलित हो रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। 1400 छात्र जो हैं वो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, सी बिल्कुल से सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, है ना, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपकी क्लियर है, नहीं क्लियर पे, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपको समझना है ना कि किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कों की औसत आयु, ठीक है, 14 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 11 + 1/2 वर्ष है। यदि पूरी कक्षा की औसत आयु 12 + 2/3 वर्ष हो तो उस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अंतर कितना होगा, है ना, लड़के तथा लड़कियों का अंतर कितना होगा, ये आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6, तो बताएंगे फटाफट से क्या हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल सही जवाब, फटाफट से आप लोग बताएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लड़कों की बात करेंगे और फिर यहाँ पर हम बॉय एंड गर्ल, ठीक है, तो इनका जो है ये 14 वर्ष है, और इनका देखिए तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 23/2 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23/2 वर्ष हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग लिखने वाले हैं, है ना, वो क्या लिखेंगे, देखिए तो 12 × 2, है ना, 12 × 48 = 3 51, 12 × 48 = 3 51/4, ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ें आप माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चा, क्लियर हो जाएगा ना, माइनस करिएगा आप, है ना, 14 माइनस, ठीक है, क्या कर लेंगे देखिएगा ध्यान से, 14 माइनस, है ना, 51/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/4, क्लियर, ठीक है, अब माइनस करके देख लेना 5/4 ही आएगा, क्लियर है। और यही चीज़ यहाँ पर करेंगे आप, है ना, देखिए जो भी बड़ा है वही आपको पहले करना है, यानी कि 51/4 - 23, है ना, 23/2, ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, है ना, तो कहोगे सर 5/4, आपको क्या निकालना है, तो आपको उस कक्षा में लड़के और लड़कियों का अंतर निकालना है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो देखिएगा 5/4 - 5/4 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा बिल्कुल बेहतर तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आइएगा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद यही है कि आप लोगों को, है ना, बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, राइट, चलेगा, है ना। लिखा गया है, एक दूध विक्रेता अपना दूध क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा उसमें
पानी की इतनी ही मात्रा मिला देता है ताकि उसे 30% का लाभ हो, है ना। जब उस मिश्रण में दूध, अब उस मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा ये आप लोग बताएंगे भैया, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करना है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो समझिएगा बात को यहाँ पर, तो मिल्क की बात करते हैं, मिल्क अपने आप में 100% होगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी भैया, अगर हम बात करते हैं वाटर की, है ना, वाटर की, देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर उसको मिल्क है 100%, उसको चाहिए कितना, उसको 30% का लाभ चाहिए, तो वो 30% पानी मिला देगा तो 30% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आपको अनुपात पता चल जाएगा भैया, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, जीरो से आपका जीरो उड़ जाएगा, तो 10:3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10:3 ऑप्शन पर भी पटिक करेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए बच्चा बहुत ही शानदार, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही शानदार के साथ, है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आप सभी साथियों का सपोर्ट, इस परिवार, इस चैनल की तरक्की एकदम धुआंधार, जबरदस्त और शानदार तरीके से। ये वीडियो मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा, है ना, आप लोग भी कंप्रोमाइज़ करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए लिखा गया है, एक गांव में 2016 में 2000 व्यक्ति रहते थे, 2017 में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई जबकि स्त्रियों की संख्या में 6% की गिरावट आ गई। यदि कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही हो तो 2016 में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी आप लोग बताएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुष, यहाँ पर हम लिखेंगे महिला, ठीक है। अब देखिए पुरुष जो थे वो +10% इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन माइन, है ना, जो महिलाएं हैं वो -6% डिक्रीज़ हो रही हैं। और ये क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बच्चा, इसलिए ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 0 -6 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, है ना, 10 -0 करेंगे तो ये 10% हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिएगा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 5 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो जो निकल कर आ रहा है वो 3:5 का आ रहा है, कितना आ रहा है, कहोगे सर 3:5 का रेशियो निकल कर आ रहा है, क्लियर है। चलेगा यहाँ पर देखिएगा भैया 5 3 8, है ना, 8 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो कहोगे सर 2000 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर देखिएगा भैया, तो कहोगे सर 1 की वैल्यू यहाँ पर 250 के बराबर हो जाएगी। हमें चाहिए कितने की वैल्यू, तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 से करोगे गुणा, है ना, किस में करोगे, तो 3 गुणे कितना कर दोगे, तो कहोगे सर 250 बराबर 2016 में कितनी, है ना, संख्या थी, तो 750 पुरुषों की संख्या थी, क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा बिल्कुल बेहतर तरीके से, क्लियर ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है बच्चा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह की ट्रिकी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।